हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम नाइन्थ CBSE बोर्ड की पोयम है द रोड नॉट इन, आज हम उसके एक्सप्लेनेशन को जानने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में जो इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वे क्या बताना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इस कहानी के बारे में बता देता हूँ आपको। तो दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप्स। कह रहा कि यह जो कविता है, प्रसिद्ध कविता, यह चुनने के सब्जेक्ट संबंध में लेके है, मतलब हमारे सिलेक्शन को लेके है। और जो हमारा सिलेक्शन होता है वह हमारे जीवन को क्या करता है, एक शेप देता है, एक आकृति के रूप में क्या करता है, ढाल देता है। मतलब हम जैसा चुनते हैं, जो जिस रास्ते को चुनते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वह हमारे लाइफ के लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, एक फ्यूचर में चल के एक शेप देता है। आगे इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो सामान्य और साधारण अनुभवों को सादगी किंतु अंतर्दृष्टि से लिखते हैं। इनसाइट मीन्स होता है अंतर्दृष्टि से लिखना, मतलब अंतरात्मा से लिखना। आइए अब पोएम के बारे में जानते हैं। करा टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताना चाहते हैं कि ये एक बार ट्रेवल कर रहे थे, तो कह रहे थे कि ये एक ऐसी जगह पर रुके हुए थे जहाँ से दो रास्ते मुड़ के जा रहे थे। कह रहा कि द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ठीक पतझड़ का मौसम था, ऑटम सीजन था, और उस समय ये कहीं ट्रेवल कर रहे थे। और वहाँ पर क्या था कि ये जहाँ पर खड़े थे वहाँ से दो रास्ते मुड़ रहे थे, अलग अलग दिशाओं में क्या कर रहे थे, विभक्त हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। और कह रहा है कि मुझे इस बात का खेद है कि मैं अकेला ट्रेवलर होने के नाते या अकेला यात्री होने के नाते मैंने क्या किया, उन दोनों रास्तों पे यात्रा नहीं कर पाई, या फिर उन दोनों रास्तों को नहीं ले पाया, नहीं जा सका। मतलब ये कि, और ये साधारण सी बात है, अगर हम भी थोड़ी बहुत सोचें कि अब एक इंसान दो रास्ते पर कैसे जाएगा। आगे कह रहा है लॉन्ग आई स्टूड, कह रहा कि और जहाँ पर वे थे वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़े थे। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियाँ। और कह रहे हैं कि मैं वहाँ लंबे समय तक खड़ा रहा और उन दोनों रास्तों में से, उन दोनों सड़कों में से एक की तरफ देखता रहा जहाँ तक मैं देख सकता था। कह रहा है कि मतलब जहाँ तक देख सकता था, मनुष्य की आँखें जहाँ तक देख सकती हैं वहाँ तक, सिंपल है कि हम लोग भी देखते हैं, तो ये कह रहे हैं कि मेरी आंखें जहाँ तक देख सकती थी या मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक क्या देखता रहा। और कह रहा कि और जब इन्होंने कह रहा कि टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, और कह रहे हैं कि और जिस सड़क को ये देख रहे थे वो क्या थी, आगे चल करके एक झाड़ियों की तरफ क्या हो रही थी, मुड़ रही थी। अर्थात इनको ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पर जो ये चुने थे उस पर बहुत सारे लोग नहीं गए हुए हैं, तो उन्होंने दोनों रास्तों में से एक को प्रीफर किया। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग पर हैव द बेटर क्लेम। कह रहा है और उन्होंने क्या, उन दोनों सड़कों में से एक को चुना जस्ट एज फेयर, और ऐसा समझ के चुना कि पहली सड़क की तरह दूसरी वाली भी क्या है, अच्छी है, सुंदर है। और शायद उनका यह डिसीजन क्या था, उनके लिए एक अच्छा डिसीजन था। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर दउ एज फॉर दैट द पासिंग डे हैड वर्न देम रियली अबाउट द सेम। और फिर कह रहा है मैं में से एक को अपनाया और ऐसा इनको लग रहा था कि वो दोनों पहली सड़क की तरह दूसरी वाली सड़क भी जिसे इन्होंने चुना हुआ वो भी क्या है, वैसे सुंदर थी। और इन्होंने उस बात पे अपना जो डिसीजन लिया था उसे ज़्यादा
मतलब ये समझा कि मेरा डिसीजन बढ़िया, मैंने बेहतर डिसीजन लिया लिया हुआ है। कह रहा आगे, कह रहा कि बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वी है। कह रहा कि क्योंकि वह जो सड़क थी जिनको जिसको उन्होंने चुना हुआ था उस पर क्या थी, घास से निकली हुई थी, और उनको ये लगा था कि इस पर बहुत सारे लोग नहीं गए हुए हैं। या सिंपली हम देख सकते हैं, ये सोच सकते हैं, देखने को भी मिलता है कि जब किसी रोड पे लोग ना आ जाएं तो वहाँ पर क्या होता है कि घास से निकल जाती है, और जिस रोड पे लोग आते जाते रहें अर्थात रस भरी भरी रोड रहती है तो उस पर क्या होता है कि घासें नहीं होती हैं। तो ये कह रहा है कि क्योंकि सड़क जिसको उन्होंने चुना था वह घास भरी हुई थी, अर्थात तो ये कह सकते हैं उस सड़क का लोगों ने कम यूज़ किया था, और कम यूज़ किया था। कह रहा कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और कह रहा कि दो यद्यपि उस स्थान तक जहाँ, कह रहा कि जहाँ ये रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रस्ट खड़े थे, दोनों सड़कों का उनको ये पता चला कि दोनों सड़कों का जो इस्तेमाल है यूज है वो बराबर किया हुआ था। जब ये आगे चले तो इनको ये पता चला, ऐसा पता चला मिला। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, और कह रहे हैं कि और दोनों सड़कें उस सुबह, एक्चुअली में आटम का सीज़न था, और आटम के सीज़न में पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो पेड़ से गिरने लगते हैं, फेल डाउन होने लगते हैं, तो इसलिए कि उस सुबह दोनों सड़कें जो थी वह पीले पत्तों से क्या हुई थी, ले थी, ढकी हुई थी, कवर थी। और कह रहा कि आगे इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और उन्होंने ये देखा कि पत्तियां जो थी पत्तियों पे किसी भी इंसान का कोई भी कदम का निशान नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। वो आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर उन्होंने कहा कि मैं दूसरे वाले को किसी और दिन यात्रा के लिए छोड़ देता हूँ, बिकॉज एक पर्सन दो रास्ते में एक समय पे एक साथ तो नहीं जा सकता, वो किसी एक ही तरफ जाएगा, क्योंकि तो सिंगल बॉडी है, सिंगल ह्यूमन है, तो एक ही तरफ जाएगा। फिर आगे कह रहा है, लेकिन ये जानते हुए कि, कह रहा आगे कि येट नोइंग हाउ हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। वो कह रहा है कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स, कह रहा कि ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकल रहा है, मुझे डाउट है, मुझे संदेह है क्या कभी मैं इस सड़क पर दोबारा यात्रा करने के लिए वापस आ पाऊँगा। इस बात से उन्हें संदेह है कि पता नहीं भविष्य में फिर आ पाऊँ या नहीं आ पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेज एंड एजेज हेयर। कह रहे हैं कि मैं इस बात को, उनके साथ जो ये घटना हुई थी, मैं इस बात को अनेक युगों तक, टाइम, कह रहे हैं कि एजेज एंड एजेज हैंड्स, मैं युगों युगों तक इस कहानी को लोगों को आह से आह भरी कहानी को लोगों को सुनाया करूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज इनटू अ वुड, कि दो रास्ते एक पुराने पीले जंगलों में क्या होते थे, अलग अलग तरफ दिशाओं में विभक्त होते थे। एंड आई अलग अलग दिशाओं में विभक्त होते थे, जिस पर लोगों ने, कह रहा कि जिस पर कम लोगों ने, एंड टुक द वन लेस ट्रेवल बाई, और जिस पर कम लोगों ने यात्रा किया हुआ था, जिस पर कम लोग गए हुए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और मेरा उन मैंने उस सड़क को चुना और मेरा निर्णय जो था क्या था, बहुत सारा डिफरेंसेस ला दिया था, मतलब अंतर लिया था। तो अर्थात इस पोएम में जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, हम ये बस हम ये बताना चाहते हैं कि इस पोएम के माध्यम कि एक साथ दो काम हम नहीं कर सकते। अब एक करने जाएं वो अच्छा हो या बुरा, वो तो तभी पता चलेगा जब हम उस काम को करें, और फिर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा अच्छा मैंने जो चुना है वह सही नहीं है या फिर सही है। फिर जब दूसरे से कंपेयर करेंगे तब इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझ पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दो तीन बार समझने की कोशिश करें, आराम से समझ में आएगा। और कुछ वर्ड्स हैं तो उस वर्ड्स को NCERT के बुक क्लास 9 CBSE बोर्ड की उठाएं और वहाँ से वर्ड्स मीनिंग कलेक्ट कर लें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड बाय, टेक केयर।